खबर आगरा से है, जहां मलपुरा के मिढाकुर में 21वीं सदी में हुई एक घटना ने 18वीं सदी में होने वाली अमानवीय घटनाओं को ताजा कर दिया। महिला को तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत पर कोरोना संक्रमित होने की आशंका थी। ससुराल वाले उसे डॉक्टर की जगह तांत्रिक के पास लेकर गए। तांत्रिक ने बुखार उतारने के नाम पर महिला के बालों से उसे पकड़कर बुरी तरह से उसे घसीटा। इसका वीडियो महिला के भाई को मिला तो उसके होश उड़ गए। वहीं भाई ने थाने में पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने तांत्रिक और महिला के नंदोई और साथ ही उसके भांजे को यहां से गिरफ्तार किया है। थाना मलपुरा में रहते हैं, धनौली एरिया में, वहां पे सचिन का इलाज कराने के लिए आए थे। इसी इलाज के दौरान जब ये यहाँ रह रहे थे तो महिला को कुछ दिन पहले, लगभग 1.5 महीने पहले बुखार आया था। उसका इलाज कराने के लिए घर वालों ने तंत्र मंत्र पर भरोसा करते हुए एक तांत्रिक, जो कि राहुल भगत इसका नाम है और मिढाकुर क्षेत्र में रहता है, वहां पे इस महिला को लेके गए थे, जहां पे ये प्रताड़ना जो कि वीडियो में दिखाई दे रही है वो हुई। और उसी के बाद ये 1.5 महीने के बाद में वीडियो जब महिला के भाई जो कि मथुरा निवासी हैं दिनेश, उनके हाथ में लगा तो उन्होंने 112 पे शिकायत की और थाना मलपुरा आए हैं। इसी संबंध में थाना पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही जल्द इसमें जो भी उचित न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी वो की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। 21वीं सदी में ऐसी निर्मम जो यहां पर कार्य किया जा रहा है, आप देख सकते हैं महिला के बालों से पहले उसे घसीटा जा रहा है। बड़ा सवाल कि कोरोना टेस्ट कराने की जगह तांत्रिक के पास लेकर उसके परिजन वहां पर पहुंचे और चाकू से उसे गोदा गया। चाकू से गोदने से कोरोना का इलाज हो सकता है? ये देखने वाली बात थी कि जो महिला के साथ गए ससुराल वाले, उन्होंने रोकने की यहां पर कोशिश नहीं की। पीट पीट कर बुखार उतारा जा रहा था। अगर इसी जगह हॉस्पिटल लेकर जाते तो इस महिला की जान बच जाती। ये तो सोची समझी साजिश के तहत एक हत्या करना लग रहा है। सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो चुका है। महिला के नंदोई को और साथ ही उस तांत्रिक को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। टेस्ट कराने की जगह तांत्रिक के पास लेकर पहुंचे, चाकू से उसे गोदा गया, पीट पीट कर उसका बुखार उतारने की यहां पर कोशिश की गई। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ये वीडियो साफ देख पा रहे हैं।